परिणाम के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्तुति विनती की अगली प्रार्थना हे दयालु कुवारी हमारे लिए प्रार्थना कर पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। दया, दया का भाव हर एक मनुष्य में होना बहुत जरूरी है, जो आजकल लुप्त सा दिखाई दे रहा है। माँ मरियम दयालुता का एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। माँ मरियम में दयालुता का गुण सर्वोत्तम है। माँ मरियम हमें से हर एक के लिए प्रार्थना करती है, उनमें दयालुता और करुणा का हृदय है। माँ मरियम से जब भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो अपने पुत्र यीशु से हमारे लिए मध्यस्थता करने में कभी विफल नहीं होती, इसीलिए शायद उन्हें दयालुता की माता कहा जाता है। तो आइए आगे हम जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों दयालुता की माता कहा जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों और माता मरियम के सभी प्रिय भक्तों, आज दयालु कुवारी मरियम के जीवन पर हम मनन चिंतन करेंगे। दया क्या है, यह दया किस प्रकार से ईश्वर ने मानव पर बरसाई है, उस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। तो क्यों ना हम दयालु कुवारी के जीवन के बारे में भी मनन चिंतन करें, उसके जीवन पर एक दृष्टि डालें। जितना भी हम दयालु कुवारी मरियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही असमर्थ रहेंगे, क्योंकि यह ईश्वर का रहस्य है। हम उसे समझने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि हम पापी हैं। हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं तो दूसरों को क्या समझ पाएंगे। हम स्वयं के जीवन को नहीं समझ पाते हैं, हमारे परिवार के रिश्तेदारों के लोगों को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या हम एक दयालु कुवारी को समझना हमारे लिए मुमकिन है? फिर भी अगर हम में विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। संत पिता फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया प्रेरित पत्र दयामय चेहरा यही दर्शाता है कि किस प्रकार दयालु मान का स्थान हमारे जीवन एवं कार्यों में है। देह धारण की गहराई को माँ मरियम के अलावा किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि उस गहराई को जानना, उस दयामय चेहरे को पहचानना, ईश्वरीय कृपा को जानना बहुत ही मुश्किल है। हम उस दयामय चेहरे को पहचान भी जाए या उस दयामय चेहरे से हम हमारा उद्धार भी पाले, परंतु फिर भी कई लोग भटक जाते हैं। हम कितना भी समझाते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम असमर्थ रहते हैं। परंतु माँ मरियम ने दया की इस आवाज़ को अपने अंदर महसूस की। क्रूसित और पुनर्जीवित प्रभु की माता ने ईश्वर दया पवित्रतम स्थान तक प्रवेश किया है, क्योंकि वे गहरे रूप से उनके प्रेम के सहभागी हुई है। ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी हुई मरियम ईश्वर प्रेम द्वारा ईश्वर और मानव के बीच एक व्यवस्थान की मंजूषा है। आज वही मंजूषा माता मरियम बन गई है। उसने अपनी कोख में उस मंजूषा को समा लिया है, उस यीशु को समा लिया है जो सृष्टि का विधाता है, सृष्टि का रचयिता है। माता मरियम की दया का साक्षात उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है। लुकस अध्याय 1 पद संख्या 49 में वचन कहता है, यूदा के नगर के लिए माता मरियम शीघ्रता से चल पड़ी। माता मरियम उन लोगों की मदद के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है जिनका कोई नहीं है, जो दुखित है और कई प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। माता मरियम उन लोगों के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है। आज के इस संसार में अगर हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें तो माता मरियम शीघ्रता से हमारी मदद के लिए चल पड़ती है। जिस प्रकार माता मरियम अपनी बहन एलिजाबेथ के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है, क्योंकि लुकस अध्याय 1 पद संख्या 5 से 7 में वचन कहता है,
कि जकरियस नामक याचक की पत्नी एलिजाबेथ थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। प्रभु उन पर अपनी दया दिखाते हैं और एलिजाबेथ से योहन नामक पुत्र उत्पन्न होता है। दया का यह मनोहर रूप हम प्रभु येसु के चेहरे में देखते हैं और वही दया की झलक आज हमें माँ के चेहरे में नजर आती है। एलिजाबेथ से भेंट करने पर माँ वही गीत गाती है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 50 में प्रभु का वचन कहता है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। ईश्वर की दया उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यही दया आज माँ के ऊपर प्रभु ने बरसाई है, तो क्यों ना उस दया को हम समझे, उस दया को हमारे जीवन में उतारे। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 47 से 55 में हम माता मरियम का संपूर्ण भजन पाते हैं, जिसमें दयालु कुवारी मरियम ईश्वरी दया का गुणगान करती है एवं पद संख्या 48 में कहती है, उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। माता मरियम प्रभु की एक दासी बन जाती है, एक कृपा पात्री बन जाती है, जो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर देती है, प्रेम से समर्पित करती है, दया के भाव से समर्पित करती है। क्या आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ईश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो? हम में से कई गिने चुने लोग ही हैं जो ईश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो क्यों ना आज हम ईश्वर के लिए समर्पित होएं? समर्पित होने का मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, परंतु ईश्वर के कार्यों में लगे रहना है। आशीर्वचन में प्रभु कहते हैं, धन्य है जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। प्रभु भी बलिदान नहीं परंतु दया चाहते हैं, और उसी दया को हम माता मरियम में देखते हैं, पाते हैं, और माता मरियम उस दया को अपने कार्यों से हमें और हमारे परिवार के लिए देती है कि हम किस प्रकार से उस दया को हमारे जीवन में लाए। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 28 में स्वर्गदूत कहते हैं कि प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री प्रभु आपके साथ है। माता मरियम, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वह प्रभु की कृपा पात्री है, उसकी दासी है, उसकी शिष्या है, तो क्यों ना हम प्रभु से प्रेरित होकर माँ से मध्यस्थता प्राप्त कर हमारे जीवन को भी कृपाओं से भर ले। वह दयालु कुवारी है और संपूर्ण कलीसिया के लिए एक आदर्श है। दयालु कुवारी हमारी माता है एवं सभी प्रकार के अनुग्रह का द्वार है। वह अनुग्रह का द्वार है, कृपाओं का द्वार है। उसके द्वार पर कोई भी अपनी झोली फैलाए आता है तो वह खाली नहीं जाता है। आज हम सभी को अपनी झोली को खोलना है और माता मरियम के सामने उनकी मध्यस्थता से प्रभु से विनती करना है, प्रार्थना करना है। योहन के अध्याय 1 पद संख्या 14 में प्रभु येसु की महिमा अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। संत अगस्तीन के अनुसार दयालु कुवारी ईश्वर की माता भी है और प्रभु येसु की शिष्या भी है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 में माता मरियम अपने पुत्र के दयामय चेहरे को उजागर कर देती है और अपने पुत्र के दयामय चेहरे को पूरे संसार के सामने लाती है कि यह वही है जिसे पूरा संपूर्ण संसार खोज रहा है। आज संपूर्ण संसार इधर उधर भटक रहा है, परंतु उन्हें सच्चे ईश्वर के पास, सच्चे विधाता के पास लाने का प्रयत्न आज हमें करना है। जिस प्रकार माँ ने प्रभु के शिष्यों को संभाल कर रखा, उसी तरह हमें भी उन लोगों को संभाल कर रखना है जो कि प्रभु के
मार्ग से भटक गए हैं। माता मरियम अंगूरी समाप्ति पर अपने पुत्र से कहती है और उसके उपरांत माता मरियम सेवकों से कहती है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। सेवक वही करते हैं जो प्रभु येसु कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रभु येसु जब हमसे कुछ कहते हैं तो क्या हम उसका पालन करते हैं या हम उसके मार्ग से भटक जाते हैं? प्रभु येसु वहीं पर उपस्थित रहते हैं जहां प्रेम और दया है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 34 और 35 में प्रभु कहते हैं, ये मेरी माता और मेरे भाई जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है यीशु की माता, उसका भाई, उसका पिता, उसके रिश्तेदार। हम सभी का भी उत्तर यही होना चाहिए जब हमसे पूछते हैं कोई कि कौन है तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो इस समाज में रहकर समाज के गिरे हुए लोगों पर या जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, जो गरीब है उनको, उन पर दया करता है, वही है हमारी माता, वही है हमारा भाई, वही है हमारे रिश्तेदार। आज हमें ईश्वरी इच्छा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा क्या है। अगर हम बाइबल के पन्नों को पलट कर देखें तब हमें ईश्वरी की इच्छा को जानने और उसे समझने का मौका मिलेगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करते हैं यहाँ पर और कहते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। यही सभी कार्य दया के कार्य हैं। जब हम प्रभु के कार्य करते हैं जो प्रभु ने हमें अभी कहा है, अगर प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु हमें अवश्य ही हम पर दया करेगा, हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर दया करेगा, हमारे रिश्तेदारों पर दया करेगा और उस माँ का दयामय चेहरा हमारे सामने स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। अगर हम विश्वासपूर्ण भाव से माँ से विनती करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो माँ अवश्य ही हमारे लिए विनती और प्रार्थना मध्यस्थता अवश्य करेगी। मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 40 में प्रभु का वचन आगे कहता है, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने वह मेरे लिए ही किया है। जी हाँ, क्रिस्त में भाई और बहनों, इस संसार में कोई भी मनुष्य प्रभु की दया से अछूता नहीं है। प्रभु अपनी दया से सभी को छू लेते हैं, भले ही वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे वह गोरा हो या काला हो, प्रभु हरेक को प्यार करता है, वह अपनी दया दिखाता है। लुकस के अध्याय 2 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं कि सिमियोन माता मरियम से कहते हैं, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। क्या हम यह जान पाते हैं कि किस प्रकार से माँ का दयामय चेहरा प्रकट होता है जब वह कलवारी पर अपने पुत्र के पास बैठी हुई रोती है और दयामय चेहरे को पूरे संसार के लिए उजागर कर देती है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से मौन रहें, अपने दोनों हाथों को खोलें, अपनी आंखों को बंद करके माता मरियम की मध्यस्थता के लिए विशेष रूप से विनती करें कि इस दया के वश में हम भी लोगों पर दया करें, आध्यात्मिक रूप से कुछ देकर उन पर और उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जिनके लिए इस संसार में प्रार्थना के लिए कोई भी नहीं है। विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से बीमार लोगों से के लिए प्रार्थना करें जो कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो
मन की शांति के लिए इधर उधर भटकते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम माता मरियम के सामने हमारे सभी निवेदन कुछ क्षण मौन होकर रखें तथा माँ से मध्यस्थता मांगे कि माँ हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहें।